आजकल मार्केट में बहुत सारे बैटरीज अवेलेबल हैं। किसी बैटरी में 150Ah C10 तो किसी में 150Ah C20 लिखा होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सोलर पावर सिस्टम के लिए C10 की सोलर बैटरी अच्छी होती है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बैटरी में जो रेटिंग्स प्रिंटेड होती हैं, इसका क्या मतलब है और इनमें कोई फर्क भी है या नहीं। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि C10 C20 का क्या मतलब होता है। C का मतलब है एक बैटरी की कैपेसिटी, जैसे 100Ah, 150Ah, 200Ah, और 10 या 20 का मतलब है आर्स। आसान शब्दों में अगर आपने अपने इन्वर्टर के साथ सुकैम की एक 150Ah 12 वोल्ट की बैटरी इंस्टॉल की है और इस बैटरी में 150Ah एट C20 प्रिंटेड है, तो इसका मतलब ये है अगर ये बैटरी 7.5 एम्पीयर से डिस्चार्ज हो रही है, इस बैटरी से आपको एग्जैक्टली 20 घंटे का बैकअप टाइम मिलेगा। पर अगर इसी बैटरी को आप 15 एम्पीयर से डिस्चार्ज करेंगे तो लगभग 10 घंटे का बैकअप टाइम मिलना चाहिए। पर एग्जैक्टली ये बैकअप मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर हम एक बैटरी को ज्यादा रेट से डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी Ah वैल्यू या कैपेसिटी पे काफी फर्क पड़ता है। ठीक ऐसे ही एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर अपनी बाइक्स के माइलेज की गारंटी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे ही देते हैं, जैसे इस बाइक की माइलेज 80 किलोमीटर पर लीटर की है। अगर आप बाइक को हमेशा 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से चलाएं और इस पे 200 kg से ज्यादा वेट ना डालें तो इस माइलेज की गारंटी आपको मिल सकती है। पर अगर ये कंडीशंस आप फॉलो नहीं करते तो बाइक की माइलेज में काफी फर्क पड़ता है और उस वक्त उस बाइक से क्या माइलेज मिलेगी, इसकी जानकारी कोई भी बाइक मैन्युफैक्चरर्स नहीं देता। इस मीटर पे आप देख सकते हैं C20 रेटिंग पे एक 150Ah की बैटरी की कैपेसिटी रेटेड वैल्यू जितनी ही होती है, पर जैसे ही हम बैटरी से ज्यादा एम्पियर ड्रॉ करना शुरू कर देंगे वैसे ही बैटरी की कैपेसिटी इसकी रेटेड Ah से कम होने लगती है। एक एग्जाम्पल से इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपने अपने घर में एक 800Va के इन्वर्टर के साथ वही 150Ah की सिंगल बैटरी इंस्टॉल की है। इस इन्वर्टर की फुल लोड कैपेसिटी 560 वॉट है। मान लीजिए आप अब इस इन्वर्टर को फुल लोड पे बैटरी से रन कर रहे हैं, तो ये बैटरी को किस रेट से डिस्चार्ज करेगी, ये पता लगाने का एक सिंपल फॉर्मूला है। P = V×I। इन्वर्टर के फुल लोड पे चलाने की वजह से ये बैटरी से 560 वॉट पावर ड्रॉ करेगा, इसलिए यहाँ पे P की वैल्यू है 560 वॉट और V की वैल्यू है 12 वोल्ट, क्योंकि बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये लोड चलाने के लिए इन्वर्टर बैटरी से कितने एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। फॉर्मूला के अनुसार अगर हम पावर को बैटरी वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो हमें एम्पियर का पता लग जाएगा, जो आप देख सकते हैं 46 एम्पियर है। अब एक 150Ah की बैटरी अगर 46 एम्पियर से डिस्चार्ज होगी तो ये बैटरी C3 बैटरी हो जाएगी। इस मीटर पे आप देख सकते हैं कि C3 पे 150Ah बैटरी की कैपेसिटी सिर्फ 95Ah की रह जाती है। बैटरी की Ah वैल्यू कम होने की वजह से इससे मिलने वाला बैकअप टाइम कम हो जाएगा। अगर आप Ah को डिस्चार्जिंग एम्पियर से डिवाइड करेंगे तो आपको बैकअप टाइम का पता लग जाएगा, जो इस कंडीशन में लगभग 2 घंटे का होगा। इन सारी कंडीशंस को समझने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, एक 150Ah की बैटरी को अगर 7.5 एम्पीयर से डिस्चार्ज करेंगे तो ये बैटरी C20 की हो जाएगी, अगर 15 एम्पीयर से डिस्चार्ज करेंगे तो C10, 46 एम्पीयर से डिस्चार्ज करेंगे तो C3 और अगर 150 एम्पीयर से डिस्चार्ज करेंगे तो C1। यानी कि एक ही बैटरी की रेटिंग अलग अलग डिस्चार्जिंग करंट में चेंज होती जाती है। आसान शब्दों में हम जितने कम एम्पीयर से बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे एक बैटरी की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी और जितने ज्यादा एम्पीयर से डिस्चार्ज करेंगे बैटरी की कैपेसिटी कम होती जाएगी। एक बैटरी को आप कितने एम्पीयर से चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं, इसकी जानकारी उस बैटरी के यूजर को होना चाहिए। एक बैटरी की मैक्सिमम चार्जिंग करंट उसकी Ah वैल्यू का 10% होना चाहिए, जैसे 150Ah की बैटरी की मैक्सिमम चार्जिंग एम्पीयर 15 एम्पीयर, 180Ah की 18 एम्पियर और 200Ah की 20 एम्पियर होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही बैटरी की मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट भी फिक्स होनी चाहिए, जैसे ट्यूबुलर बैटरी के केस में 150Ah बैटरी की डिस्चार्जिंग करंट 50 एम्पियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 180Ah बैटरी की 60 एम्पियर और 200Ah की बैटरी डिस्चार्जिंग करंट मैक्सिमम 65 एम्पियर होनी चाहिए।
अगर आपके घर में लगे बैटरी को आपका इन्वर्टर ज्यादा करंट से डिस्चार्ज कर रहा है तो ना तो आपकी बैटरी सही बैकअप देगी और ना ही इसकी लाइफ अच्छी होगी। इन सारे बातों को कस्टमर तक पहुंचाने और इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे आसान तरीका है बैटरी मैन्युफैक्चरर्स अपनी बैटरी में ये प्रिंट कर दें कि उनकी बैटरी C20, C10, C5 या C3 पे कितनी एएच की रह जाती है और उस बैटरी की मैक्सिमम चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करंट क्या है। सुकैम ने इस नई सोच की पहल की है और सुकैम द्वारा बनाई गई सारी बैटरीज में ये लिखा होगा कि एक बैटरी अलग अलग रेटिंग पे कितने कैपेसिटी की रह जाती है और उस बैटरी की मैक्सिमम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट क्या है।